चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम सोयाबीन एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसका पैकिंग कैसा है, कौन से कंट्री आपको टारगेट करनी चाहिए, आपके टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी सारी की सारी डिटेल्स आज हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की जो अपडेट होती है वो आपको मिलती रहे, जो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो उसका बेसिक्स नॉलेज क्या होता है तो आपको जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। क्या होता है कि प्रोडक्ट नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो या फिर आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्री किया होगा। वैसे ही सेम टू सेम अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। वो प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा है, एज पर कंट्री, कौन सी कंट्री आप टारगेट कर रहे हो, उस कंट्री में कितना कैसा पैकिंग जा रहा है, 1 kg पैकिंग जा रहा है, 2 kg का पैकिंग जा रहा है, पेपर बैग में जा रहा है, पीपी बैग में जा रहा है, जो भी प्लास्टिक का जा रहा है उसमें जा रहा है, किस में जा रहा है, इस पर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी पैकिंग उसमें यूज होता है। लोकल मार्केट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि ये जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो वो कहाँ पे मुझे मिलेगा, बहुत सारी क्वांटिटी में, और जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, अगर आपको वो पता नहीं है तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको एट से लेके जेड तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए तो ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सक्सेसफुल होगे, आपका फर्स्ट कंसाइनमेंट होगा, आपका फर्स्ट शिपमेंट होगा। तो मैं आपको वैसी ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको जो भी मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। टारगेट कंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि टारगेट कंट्री, आप 10 कंट्री चूज करते हो तो उसमें से आपको 5 जो कंट्री होती है उस कंट्री को आपको टारगेट करनी है, उसकी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, वो कहां से कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन उसका सप्लायर है, वहां पे लोकल सप्लायर, आपको उसको टारगेट करना है ताकि वहां से आपको लीड जनरेट हो और जो भी लीड आपको मिलती है वो आप अपना जो भी शिपमेंट हो तो उसमें कन्वर्ट आप कर सकते हो। अगर आप सभी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर आप एक सिस्टेमेटिक वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हो तो 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। टारगेट प्राइस, यहां से जो एक्सपोर्टर सडनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस से अगर आपकी प्राइस कम होगी तो ही आपका ऑर्डर मिलेगा, सेम प्राइस होगी तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है रीजन। दोस्तों, आप कोई भी, आप एक नए एक्सपोर्टर हो तो जो भी सामने वाला बंदा है वो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहा है या किसी के पास से, वो जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी के पास से खरीद रहा है या फिर इम्पोर्ट कर रहा है, तो कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट कर दे कि आपको कैसे एडवांस पेमेंट दे दे। तो आपको एक अपना जो भी क्राइटेरिया होता है कंपनी का वो बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, आपकी जो भी कंपनी है उस कंपनी को एक अच्छी सी एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तो आपके लिए बेस्ट है वो। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं तो आपको फुलफिल करने होते हैं, ये जो बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें आप कैसे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का
जो भी सोयाबीन आपको एक्सपोर्ट करना है तो कैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हो। ये एक बेसिक था, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। अभी बारी आती है ITC कोड इंडियन। जो ITC कोड होता है वो इंडिया के लिए है, ओके। तो वो क्या है, उसका HS कोड ITC कोड क्या है, 1208-1000, ये ITC कोड है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो प्राइस होती है उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, जो मैंने ले लिया है। जो प्राइस है वो 44 से लेके 53 INR पर केजी आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो आप सेल करोगे वो 50 से लेके 60 तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सोयाबीन। पैकिंग 1 kg, 2 kg, 5 kg लूज पैकिंग। अगर आपके बाहर की कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो आप वो जो भी बाहर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप फिट करके आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो। पीपी बैग या फिर प्लास्टिक बैग में जो भी पैकिंग मटेरियल से वो है, ऑर्गेनिक और नेचुरल। टारगेट प्राइस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे टारगेट प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करते हो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी मैं यहाँ पे ये वर्ड्स बोल रहा हूँ। टारगेट प्राइस यानी कि आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो पैकिंग, लेबर कॉस्ट और लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वो आप ऐड करके आप एक टारगेट प्राइस डिसाइड कर सकते हो। लोकल मार्केट स्टेट वाइज प्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये लोकल मार्केट कहाँ पे है सोयाबीन का, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो वीडियो बना रहा हूं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, यहाँ से जो भी डिटेल्स होती है उसको इकट्ठी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि जो भी हमारा उससे मोटिवेशन रहता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका और तेलंगाना, ये सबसे 7 जो स्टेट है यहाँ पे मोस्ट प्रोडक्शन होता है। टॉप 3 में है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर, यहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, IC है, GST है, फोर्ट रजिस्ट्रेशन है, RCMC, एपेडा है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो इसलिए आप एपेडा, या फिर आपको स्पाइसेस भी करना है तो आप यहाँ पे FOB ले सकते हो। गवर्नमेंट बेनिफिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये गवर्नमेंट इसमें कितना परसेंट ड्रॉबैक और जो भी रोड रेप है वो आपको प्रोवाइड कर रहे, ड्रॉबैक है इसमें 0.15%, यानी कि 0.15% इसमें ड्रॉबैक है, फ्रीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे है ड्रॉ ट्रेप है 1% है, जो भी FOB वैल्यू होगी उसके ऊपर 1% होगा, ना कि आपकी जो भी इनवॉइस की वैल्यू के ऊपर, ये नहीं है। अब बारी आती है टारगेट कंट्री की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट और मोस्ट। आप यह मैं यहाँ पे 10 कंट्री आपको बता रहा हूँ कि ये टारगेट आप कर सकते हो। कौन सी है, कोरिया है, स्वीडन है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इजिप्ट है, UAE है, बांग्लादेश, कनाडा, सऊदी अरबिया। और 2020-21 में कितना हुआ था, 55, 52, 52, 100, 1, 1, 59, 48, 64, 51, 102, 58, 2021-22 में 74, 74, 55, 126, 60, 60, 109, 54, 165 और 90। अब देख लीजिए कितना डिफरेंट है 2020-21 और 21-22 में, कितना इसमें फ्लक्चुएट हुआ, कितना इसमें इतने इसका प्राइस बढ़ा है। तो आप ये अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट का मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लान एक मैंने 6 से 7 वीडियो में आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप एक बार अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे जो टेलीग्राम या फिर जो फेसबुक का ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं जो अपडेट डालता हूँ या फिर जो भी आपकी क्वेरी होती है तो मैं आपको वहां से उसका आंसर देता हूँ।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहता है तो आप उसको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियो है उसका नॉलेज मिल सके और हमारा भी उससे मोटिवेशन रहता है और आप एक अच्छा काम कर रहे हो। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।